बलात्कार के नाम से झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। पूरा मामला थाना कानपुर सचेंडी का है। कानपुर सचेंडी थाना 3 महीने से दर दर भटक रही महिला, नहीं मिल रहा न्याय। 3 महीने पहले अन्याय के लिए दर दर भटक रही महिला, मामला सामने आया है 3 महीने पहले थाना सचेंडी दिलीप कुमार का, जहां बीती मार्च का है, जहां में तक सुबोध की पत्नी ने आरोप लगाया है कि रात करीब 8 बजे गांव के बाहर पानी की टंकी वाले खेत में पानी लगाने गया था, जहां उसने अनुपम पाल को सौरभ पाल की खेत में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इससे पहले कि सुबोध कुछ कर पाता, अनुपम ने शोर मचा दिया कि सुबोध मेरे साथ बलात्कार किया। बिना सच्चाई जाने अनुपम के घर वालों ने थाना सचेंडी में जाकर सुबोध के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। कानपुर से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। क्या नाम? हमारा नाम पूरन वाजपेयी। हमारे भतीजे को गांव के 5 लोगों ने जबरदस्ती दमंगई के साथ मरणासन्न हालत में मेरे दरवाजे डाल गए। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये बराबर धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा अगर वापस नहीं करोगे तो जान से मार देंगे तुम्हारे परिवार को। किस चीज़ को लेकर फंसाने का प्रयास किया था? एक झूठा आरोप लगा कर लड़की के साथ बलात्कार किया है, जो बलात्कार में की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, उसके बलात्कार हुआ ही नहीं है। जब मारा था तो कौन कौन लोग मौजूद थे? राजा बाबू पाल थे, प्रहलाद पाल थे, सचिन पाल, सौरभ पाल, अभिषेक पाल, धीरेन पाल, कपूर पाल, रामविलास पाल, राजा बाबू पाल, किस हालत सौरभ पाल, मरणासन्न हालत। पुलिस मौके पे थी, उसके सामने डाल के गए, पुलिस ने जीप में इसके बाद लाद के भी ले गई। क्या कहा था उसको? पुलिस ने कहा था उचित कार्रवाई करेंगे, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बराबर हम लोगों को धमकियां दे रहे हैं। थाने में जब मोबाइल करते हैं, फोन में बात करते हैं, थाने जाते हैं, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही, वो कुछ नहीं कहा। आपके भतीजे की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? हमारे भतीजे को मारा था चंद हंसपुर गाँव है, हमारे गाँव से 1 किलोमीटर दूर। वहाँ से चौराहे से दलीपुर चौराहे से घसीट के मेरे दरवाजे डाला था, कुत्ते की तरह कलील के भोतलिक पला माता छोटी छोटा। पुलिस ने कहाँ भर्ती कराया था? कहाँ पुलिस CSC ले जाती है। हाँ। वहाँ से नॉर्मल चोटें दिखा के उर्सला के लिए रिफर करते हैं, वहाँ भी दूसरा पहुँच जाता है और पुलिस लेकर जेल दाखिल करती है, जेल में रात में जाके मर जाता है। अच्छा, तो जब उस वक्त CSC गए थे तो कौन ऐसे लोग थे जो आप लोगों को बाहर कर वो थे? विधायक के प्रतिनिधि हैं वो धर्मेंद्र पाल फौजी, और उनके साथ और 4-6 लोग थे। BJP का झंडा लगा था, काली स्कॉर्पियो से थे, धमकी दी, भगाया कि मर जाओ माते तो यहाँ जांच प्रभावित करने आए। आपकी आप जब मृत्यु हुई है तो कितने देर बाद आपको जानकारी मिली फिर आप लोग पहुँचे? वो पुलिस हमको 7 तारीख को पुलिस ने बताया गांव आके कि तुम्हारे भतीजे की मृत्यु हो गई, डेड बॉडी आ रही है। आपके बेटे की मृत्यु होने के बाद क्या पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक? कोई कार्रवाई अब तक नहीं करी। हम DIG साहब के यहाँ गए, IG साहब के यहाँ गए, ADJ के यहाँ गए। अगर आपको अब इस वक्त न्याय ना मिला जिस तरीके से लोग दबंगे, अगर इस तरह से न्याय नहीं मिलता तो हम सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे, जान से मर जाएंगे। तो अच्छी बात आ रही थी 4 महीने आप जिस तरीके से आप शिकायत लेके आएंगे, 4 महीने पहले क्या मामला हुआ? मामला है हमारे पति को पानी लगाने के, वहाँ पे एक लड़की लड़का नाम है अनुपम पाल सौरभ पाल, इन्होंने देख लिया वहाँ पे गलत करते हुए, तो इन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, थाना के घर बताओ जाके तो तुम्हें मारेंगे, इसका गलत कर रहे हो, किसी की लड़की क्यों कर रहे हो। लड़की ने अब उल्टा आरोप इनके ऊपर लगा दिया, घर में हल्ला मचाने की लगी कि सुबह ने हमारे साथ गलत कर दिया। बस वो घर गई, वहाँ से 5 लोग जितने थे, 5 लोग सारे लोग आके अपने घर में घुस गए, सब तक हमारे पति आ गए। तो हमने कहा कि लड़की सच कह रही, क्या किया तुमने? सर कहने हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे सर पे हाथ रखे, कसम खाई, बच्चों को कसम खाई, तब तक वो लोग आ गए, उनसे हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन लोगों ने नहीं मारे, हमें मारने की टीम लगी, हमारे बच्चों को मारने की टीम लगी, तभी डर के मारे हमारे पति घर से भाग गए। क्या करते ना, भागते तो वही मार डालते, हम लोगों को मारते, मरता नहीं दे सकते थे वो। बस सुबह लोग हमें फिर थाने पुलिस ले गई, वहाँ हमसे बदतमीजी की, गला ला दबाया, हमने कहा साहब हमको नहीं पता कहाँ चले गए हमारे पति, तो कहा तुझे सब पता, हमको साहब हमको कुछ नहीं पता है, तो बोले चूड़ियाँ उतार के रख दी, जान ले तू आसे विधवा को, कहा पैसा क्यों करे, हमारा पति जिंदा फिर ये बात कह रहे हैं, कहें तू जान ले कि विधवा हो गई है। बस सुबह उन लोग इस तरह से मार के कुत्ते की तरह घसीटते हुए हमारे पति को
जब आपके पति को वहाँ पुलिस के मार के रिश्वत पे ला रहे थे, पुलिस मौके पे थी, पुलिस मौके में थी, पुलिस ये सब करवा रही थी। क्या पुलिस वालों ने कहा इतना मारो कि सांस चलती रहे, नहीं केस नहीं बन पाएगा। पुलिस वालों ने कहा, हमने खुद सुना था। अच्छा क्या ये बताइए, उस लड़की की जाँच में क्या आया था? कुछ नहीं आया था जाँच में, बलात्कार नहीं आया उसमें निकला था। फिर आपके पति की किस तरीके से वहाँ पति किस तरीके से ले गए वहाँ पर, बंद किया, जेल भेजा, कब मौत हुई? जब यहाँ लाते हैं घसीट के इनको, बेरहमी से मारते हुए घसीटते, बल्लम कुल्हाड़ी पूरे पैर कटे से हमने डाला के अपने दरवाजे के सामने पिटियो। अनुपम पाल ने यहाँ पर उसकी माँ बाप और पिता उनके दरवाजे के सामने डाल के हमारे सामने पूरी तरह से पीट रहे, हम हाथ जोड़े पैर तक गिरे, पुलिस भी वही खड़ी थी, लेकिन हम पुलिस वालों के पैर तक गिरे, पुलिस ने हमारी कुछ नहीं सुनी, हम खूब रोते गिड़गिड़ाते रहे कि हमको हमारी बच्चियों को मारने की धमकी थी। क्या पुलिस उस वक्त ले जाकर ट्रीटमेंट कराया था? नहीं, कल्याणपुर लेके वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हाँ वहाँ नहीं करवाया ट्रीटमेंट। किस तरीके से आपको जानकारी मिले कि आपकी नहीं हुआ? वहाँ हमको पापा हमारे गए थे वहाँ। कितने दिन बाद जानकारी मिली थी? कितने दिन बाद आपकी जानकारी मिली थी कि आपके पति नहीं रहे? उसी दिन, दूसरे दिन जब मार के डाल जाते हैं दोबारे बाहर, हमारे घर के रोड पे डाल जाते हैं, वहाँ हाथ पैर जोड़ते हैं कि क्या कर रहे हो, ना मारो, कहना जो इसकी हालत हुई तुम्हारी भी हालत हुई। पुलिस वही थी, पुलिस पर हमने जूता उतार उतारे, पूरे पाए खून से सने हुए थे जूता। क्या जिन व्यक्तियों ने आपके पति को मारा पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की, सब फरार घूम रहे, अब बराबर धमकी दे रहे हमारे परिवार में, जो हमारे चाचा लोग मदद कर रहे हैं उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हमारी कौन मदद करेगा इसे? ठीक है, इस मामले की आपने उच्च अधिकारियों से कोई बात? हर जगह हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई रही है। क्या उनकी तरफ कोई सत्तापन जो है मंत्री नेता सब उनके पक्ष में? आप किन किन उच्च अधिकारियों के पास अभी तक गए हैं? हम आईजी सब हर जगह गए, हम कहीं नहीं बाकी जाम गए ना। क्या आपको महसूस होता कि हमें न्याय मिल पाएगा, कि आपको डर महसूस? ये डर महसूस, डर क्या, ये लोग ऐसा कर ही रहे, उल्टा फांस रहे हम लोग को, हमारे परिवार में 6 लोगों को फांस दिया। अगर अभी आपको नहीं न्याय मिला तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम जान नहीं दे सकते, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? आपको बच्चे तो अनाथ हो गए, क्या करें, किससे मदद मांगे? परिवार में लोग वो हमारे फेल पे करते तो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही, क्या कर सकते हैं बताइए? अच्छा, जो लोग ये आपको धमकी दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये पाल लोग हैं जो सारे फरार थे। क्या नाम है उनका? सौरभ पाल है, अभिषेक पाल है, और ये सचिन पाल है, धीरेन्द्र पाल है, सभी पाल है। क्या थाना स्तर पे आपको कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, हम जाते हैं वहाँ तो कोई बस कहते हैं हो रहा है, सब काम हो रहा है तुम्हारा, बस एक दिलासा दे के बस हमें। हमने ऐसो को फोन किया, हमने कहा साहब इस तरह धमकी मिलने से क्या करें, तुम्हारे कहने से पूरा क्या दिलीपुर गाँव अरेस्ट कर लें, तो हमने कहा साहब इस तरह से क्या, हमारा पति मरा है, क्या करें बताओ, हमें कोई कहीं से नहीं आ रहा, हमें समझ में आ रहा है।